हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश कुमार गुप्ता आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज सिस्टम आपकी स्वागत करता हूं। और अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं राजस्थान बोर्ड के या एनसीईआरटी सिलेबस सीबीएसई के, तो अगर आपको प्रैक्टिकल फाइल जो हर साल आपको बनानी होती है अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड, तो आपके पास अगर सब्जेक्ट आरबीएससी या सीबीएसई एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपको प्रैक्टिकल फाइल अगर आपको प्रिपेयर करनी है, तो वो किस प्रकार से आपको प्रिपेयर करनी है, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपके लिए जो आईपी की जो आपकी बुक चलती है प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिसेज है, और या फिर आपकी कंप्यूटर साइंस की जो बुक है उसमें प्रैक्टिकल फाइल और कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स हैं वो आपको किस प्रकार से प्रिपेयर करने हैं उसके बारे में ये वीडियो है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कंप्लीट जो प्रोग्राम्स हैं वो आपको यहाँ पे प्रिपेयर किए हैं, जिसमें आपका यहाँ पे नंबर आपको डालना है, एम आपका मतलब आपका उद्देश्य क्या है, आपको पेज नंबर बनाने हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे साइन करने हैं। तो अलग अलग जगह पे आपके जो ये साइन होंगे, और साइन करने के साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी इस फाइल में आपके अलग अलग जैसे क्वेश्चंस यहाँ पे जो दिए हुए हैं, जिन क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं कि अप्रोक्स जो है 50 जो प्रोग्राम्स है, 50 जो क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पे मैंने प्रोवाइड करवाए हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पे पेज नंबर डालना है और साथ में आपको यहाँ पे इन टीचर के सिग्नेचर करने हैं। हालांकि आपको ध्यान रहे स्टूडेंट्स कि आपको ये फाइल आपको आपके जो पेजेस हैं उनमें लेना है, आपको वाइट पेजेस या सिंगल लाइनर जो पेज होते हैं वो लाइंस आपको लेने हैं, और लाइंस के अंदर आपको ये प्रोग्राम आपको लिखने हैं, साथ में जो वाइट हिस्सा जो होता है पेज का उसमें आपको इसके आउटपुट आपको बनाने हैं कि किस प्रकार से आपका जो आउटपुट है वो आपको नजर आने वाला है। तो आउटपुट में आप ये हेडिंग को भले ही आप छोड़ दें, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है आपको छोड़ सकते हैं, और आपको किस प्रकार से उसका आउटपुट आएगा, क्योंकि एग्जाम में जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम जब होता है तो आपको साथ में क्वेश्चंस के साथ साथ में आपको आउटपुट भी आपको बनाना होता है। तो साथ में मैंने यहाँ पे इसका आउटपुट भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो अप्रोच कंप्यूटर साइंस की बुक के लिए सीबीएसई एनसीईआरटी आरबीएससी के लिए आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल जो पार्ट है वो आपको इस प्रकार से आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम्स में आपको आउटपुट भी प्रिपेयर करना होता है। और कंप्यूटर पर आप किस प्रकार से एज इट इज आपको पाइथन के अंदर आप जब आप लिखेंगे, जैसे अगर आप देख सकते हैं राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड वेदर ए गिवन नंबर इज इवन और ऑड, कि जो वैल्यूज है वो आपकी इवन है या ओड है, उसके लिए आपको प्रोग्राम चेक करने का है। तो पाइथन में आप सिंपल पाइथन की जो किसी भी वर्जन में आप ओपन करेंगे तो आपको कोडिंग किस प्रकार से करनी है, और कोडिंग करने के बाद जो इसका आउटपुट होगा, जैसे कि एंटर द नंबर ऑफ फॉर द नंबर इज इवन एंड द एंटर द नंबर इज 87 द नंबर इज ऑड, तो इस प्रकार से आपको ये फाइल आपको प्रिपेयर करनी है। आपको ये अपने हैंड रिटन लैंग्वेज में आपको करना है, न कि इसका प्रिंट निकालना है। लेकिन अगर आपके पास इक्वेशंस नहीं है तो आप यहां से देख सकते हैं, इसका लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मैं शेयर कर दूंगा। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये प्रोग्राम कैसे लगे, और इन क्वेश्चंस के बारे में आप मुझे बता सकते हैं। तो आपको व्हाट्सएप पे भी, और ये आपके जो लिंक है वो मैं आपके यहाँ पे शेयर कर दूंगा। तो ये एक तो देख सकते हैं, इसके अलावा साथ में यहाँ पे जो टोटल 50 क्वेश्चंस है, हालांकि धीरे धीरे जो प्रोग्राम्स है वो आपकी बढ़ते चले जाएंगे, साइज आपकी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो 50 जो है वो कंप्यूटर साइंस के लिए, जिसका की कोड नंबर है 03 एंड आईपी जिसका की कोड नंबर है 04, इसके लिए जो अप्रोक्स है, क्योंकि इसमें पाइथन के जो चैप्टर हैं वो ज्यादा हैं, और आईपी में जो इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेज हैं उसमें आपके चैप्टर्स जो हैं वो कम हैं। ओनली आप देख सकते हैं कि केवल चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4 जो मैटप्लॉटलिब से रिलेटेड है वो प्रोग्राम्स आपको बनाने हैं। तो प्रैक्टिकल फाइल के लिए आपको जो मटेरियल है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पैंडास और पाइथन और मैटप्लॉटलिब की जो लाइब्रेरीज हैं उनमें से आपको सिलेक्टेड करके बनाने होते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपकी बुक में से लिए हुए हैं, जहाँ पे आपको पैंडास का डेटा फ्रेम बनाना है, साथ ही साथ उसके आउटपुट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आपको जो ये प्रोग्राम बनाने हैं वो बाय हैंड बनाने हैं, राइटिंग वर्क में करना है, और ये प्रोग्राम्स आपको कंप्यूटर पे करके आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको पहले आपके मेरे जो पुराना वीडियो है उसको आप देखें, उसमें मैंने बताया कि किस प्रकार से आप पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके साथ में पैंडास और मैटप्लॉटलिब जो लाइब्रेरीज हैं उनको आप कर सकते हैं। जैसे कि देखिए स्क्रीन पर सीएसवी फाइल को कैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसमें पहले आपको एक्सेल के अंदर फाइल बनानी होती है, उस फाइल को आपको सेव करना है, और उसको बाद आप यहाँ पे डेटा फ्रेम डॉट वन जो फाइल का नाम है, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, और आपको यहाँ पे उसको डीएफ टू सीएसवी आपको लेना होता है। आप ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर भी यूज में ले सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एसक्यूएल के प्रोग्राम्स जो होते हैं आपके एसक्यूएल के डेटा फ्रेम्स को भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप यहाँ पे करवा सकते हैं। तो जो कलर्स में है उनके लिए आप कलर में भी बना सकते हैं। बाकी प्रोग्राम में आप देख सकते हैं जो कि मैटप्लॉटलिब से जो प्लॉट और चार्ट जो होते हैं वो आपको किस प्रकार से आपको प्रिपेयर करने होते हैं। साथ ही मैंने एक जो प्रैक्टिकल का जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें आपको
पाइथन के लिए जो आपको क्वेरीज आपको लिखनी होती है, जो एसक्यूएल में आपको लिखनी होती है, और उसके बाद आपको प्रिपेयर करके उसके अंदर आपको इंसर्ट करना होता है। तो ये आपके माई एसक्यूएल में भी है। माई एसक्यूएल के लिए मैं अलग से आपका एक वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर मैं आपको बता दूंगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए जो वीडियो है ये बहुत ही अधिक यूजफुल आपके लिए होने वाला है। तो इस वीडियो को जरूर से शेयर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको शेयर मिल जाएगा, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्रैक्टिकल फाइल आईपी 12th क्लास एंड कंप्यूटर साइंस सीएस पेपर कोड नंबर 3, और यहां पे आप इसकी इस तरह से फाइल बना के सिग्नेचर करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।